मेरे लिए मुश्किल हो गया था कि मैं क्या करूं क्या नहीं, लेकिन लोगों के उसमें आके मैंने पर्चा भरने का निर्णय लिया। देखिए हमारे साथ राजनीतिक हत्या करने का काम किया है और मैंने लोगों के सामने जीवन मरने का सवाल रखा था, लोगों ने एक आवाज में कही मरने का नाम लो हम आपको जीत। ऐसा है अब की बार इन पार्टियों की रांत काट देंगे, तो ये घमंड में है ना, रांत काटने के लिए आ रहे डॉक्टर कपूर। आज हमारे को पता लगा कि डॉक्टर साहब फार्म भर रहे, इतनी खुशी हुई है कि बहुत ही ज्यादा, और तन मन धन से पूरा हल्का कपूर डॉक्टर साहब के साथ है। और बड़ौदा हल्का ने यह भी समझ लिया है किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा, गठबंधन की सरकार बनेगी और उसमें डॉक्टर कपूर नरवाल आने वाले मंत्री होंगे। बड़ौदा की राजनीति में अब एक नया मोड़ आ चुका है, डॉक्टर कपूर नरवाल जिनका सबको बेसब्री से इंतजार था क्या करने वाले हैं, लेकिन अब वो निर्दलीय नामांकन भरेंगे और उनकी मजबूती के लिए एक कपूर नरवाल नहीं भूपेंद्र मलिक साथ आ गए हैं। जितेंद्र हुड्डा जो हैं जीता हुड्डा वो भी इनके साथ हैं, अभी आ ही रहे हैं, रास्ते में पहुंच रहे हैं। डॉक्टर साहब पहले मलिक साहब से ही बात कर लेते हैं। मलिक साहब क्या लग रहा है जिस तरह से भाई पूरा मामला बड़ौदा का चल रहा था, टिकट या आपको देने की वो थी इनको देने की वो थी लेकिन टिकट कहीं नहीं मिली, हर बार जो है ये काम हुआ। देखिए पार्टियों ने जो जन भावनाएं थी उनके विपरीत काम किया है, जो बड़ौदा हल्का की जनता चाहती थी, जिन प्रत्याशियों को डॉक्टर कपूर इतने संघर्षशील इतने लंबे समय से सेवा कर रहे हैं, उधर कांग्रेस इनको चाह रही, कांग्रेस से लोग इनको देखना चाह रहे थे पर कांग्रेस ने भी नहीं दिया, तो बड़ौदा हल्का की आवाज है, बड़ौदा हल्का के लोगों को आज वोट गिरने का रहा नहीं है, एक राहत दिखाने के लिए हम सब आज डॉक्टर कपूर जी के पास आए हैं और इन्होंने सबकी बात रखते हुए चुनाव लड़ने का मन बनाया है, तो बड़ौदा हल्का तन मन धन से इनका साथ देगा और इन पार्टियों को भी ये जो इतने अहंकार और घमंड में आकर जन भावना की अनदेखी करते हैं उनको भी सबक सिखाने का काम करेगा बड़ौदा हल्का। आप एक बात कहते थे कि भूपेंद्र हुड्डा जबान के धनी नहीं है, लेकिन वो शायद डॉक्टर कपूर नरवाल को अब समझ में आई है, ये दो लोगों को सबको समझ में आ गई, पूरे हल्के को समझ में आ गई। आज क्या लगता है अब क्या समीकरण रहने वाले हैं? डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल एक तरफा जीत करेंगे और दोनों पार्टियों को सबक सिखाएंगे। तो आप तीनों जो त्रिमूर्ति है जो ये त्रिमूर्ति है जित्ता हुड्डा भूपेंद्र मलिक और कपूर नरवाल, एक कपूर नरवाल के रूप में प्रत्याशी को आज बड़ौदा को एक नया चेहरा, तीन मूर्ति नहीं पूरा बड़ौदा हल्का साथ है। हाँ ये तो सारा बड़ौदा हल्का गांव चम्मन के चम्मन गांव साथ है। डॉक्टर साहब बड़ा कठिन था फैसला लेना, कहीं ना कहीं कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आश्वासन कभी बीजेपी का आश्वासन, चाहे भूपेंद्र मलिक हो या कपूर नरवाल हो, हमेशा यही हुआ। देखिए ये तो भाग्य पे टिका है सारा मामला, लेकिन आज जो मैंने नॉमिनेशन करने का जो फैसला लिया है ये मेरा फैसला नहीं है, ये बड़ौदा हल्का की जनार्दन सरदारी का फैसला है और मैं इनके जो इन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया है, मेरे लिए मुश्किल हो गया था कि मैं क्या करूं क्या नहीं, लेकिन लोगों के उसमें आके मैंने पर्चा भरने का निर्णय लिया। अब लोगों के ऊपर ही मैंने छोड़ना है, लोग ही चुनाव लड़ेंगे, लोग ही हर काम करेंगे, मैं तो सिर्फ चेहरा हूंगा इन लोगों के बीच। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने टिकट दिया था उसके बाद ऐसा नजर आ रहा था कि कहीं ना कहीं ये इस तरह के तालमेल है कि अब जो है कांग्रेस के लिए जीत आसान थी, लेकिन अब फिर से आपने मुश्किलें बढ़ा दी, ये तो लोग बताएंगे। देखिए ये जनता जो जनार्दन है बड़ौदा हल्का की ये बताएंगे सारी, लेकिन इमोशंस हैं, लोग आए आपके पास उसके बाद जिस तरह से टिकटें हर जगह से कटी और उसके बाद लोगों का जुड़ाव हुआ। देखिए हमारे साथ राजनीतिक हत्या करने का काम किया है और मैंने लोगों के सामने जीवन मरने का सवाल रखा था, लोगों ने एक आवाज में कही मरने का नाम लो हम आपको जीवित रखेंगे। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बात कह रहे हैं कि वोट काटू आएंगे उनसे बचना, वो टाइम बताएगा हल्का बताएगा वोट काटू कौन आएंगे। हाँ वोट काटू की भूमिका में तो नहीं आ जाएंगे, ऐसा है अब की बार इन पार्टियों की रांत काट देंगे, जो ये घमंड में है ना, रांत काटने के लिए आ रहे हैं डॉक्टर कपूर, इन पार्टियों को सबक सिखा देंगे, इन दोनों पार्टियों को
अब जो इतने लंबे समय से सेवा कर रहे हैं, जो पूरा हल्का चाह रहा था जिन लोगों को, उनकी अनदेखी करके अब किसी को भेज देते हैं, वादे करते हैं, वादा खिलाफी करते हैं, हर बार उनका यही काम होता है। तो इसलिए अब की बार बरोदे हल्के ने ठान लिया है इन झूठों के बकावे में नहीं आना है और इनका गांध काट कर हल्के से बाहर भेजेंगे और किसी पार्टी का बहुमत नहीं आएगा, डॉक्टर कपूर सिंह जीतेंगे और मंत्री भी बनेंगे। क्या बात है भाई, बहुत बड़ी बात है, पूरा हल्का यहाँ पे मौजूद है। केला ठीक है, हम लिख साहब रांत काट, बहुत बढ़िया, पक्की जीत है और विरोधी हल्के में इतनी खुशी हुई है। आज हमारे को पता लगा कि डॉक्टर साहब फार्म भर रहे हैं, इतनी खुशी हुई है कि बहुत ही ज्यादा, और तन मन धन से पूरा हल्का कपूर डॉक्टर साहब के साथ है, छोटे से लेके बड़े तक यही लहर चल रही है, बाप की बार कपूर निर्वाण। इस तरह से भूपेंद्र मलिक और जीता हुड्डा भी समर्थन कर रहे हैं, ताकत मिलेगी, बहुत ज्यादा मिलेगी, बहुत ज्यादा। हम जितने भी वर्कर थे वो सारे साथ हैं, टोटली साथ हैं, सारे मिल गए, पूरे के पूरे, छोटे से लेके बड़ा तक। और ये हम डॉक्टर साहब को वादा करते हैं कि जितने भी वर्कर हैं टोटली पूरा परिवार डॉक्टर साहब के साथ है। डॉक्टर साहब की, डॉक्टर साहब की। वृद्ध लखे ने एक ही ठान लिया है, एक ही पुकार है, अब की बार कपूर निर्वाण है, इसको विधायक बनाएंगे, इन व्यापारी को सबक सिखाएंगे, जिसने हर बार ठगने का काम किया, अपना पण कहने के लिए झूठा पण था इनका, अपना पण अब दिखाएगा, हल्का अपना पण दिखा दिया, कपूर निर्वाण को एक तरफ जिता गए, विधानसभा बेचेंगे और हल्के मान सम्मान का लड़ाई लड़क के आवाज गूंजेगी विधानसभा में चंडीगढ़ में कपूर निर्वाण। मलिक साहब एक बड़ी बात निकल के आ रही है, हर बार डॉक्टर साहब सही बात करते हैं, आप लोगों सही बात करते हैं, राजनीतिक हत्या, मतलब ये क्यों हुआ ऐसा, हल्के के नहीं थे, हल्के के बाहर के थे, क्यों हुई है चीजें? देखिए पार्टियां जो इतने घमंड में है अच्छे आदमियों को आगे नहीं आने देती, ये तो जो उनके पिछलग्गु जो उनको ही मौका देते हैं, जो सेवा करते हैं, अच्छे आदमी एमएलए बनने के काबिल है, जो बरोदा हल्का का विकास करा सकते हैं, ऐसे आदमियों को आगे नहीं आने देना चाहते। इनको नेता नहीं चाहिए, इनको तो अपने चमचे चाहिए इन पार्टियों को। तो जो बरोदा हल्का ने ठान लिया है, जो बरोदा हल्का की सेवा कौन कर सकता है, और बरोदा हल्का ने यह भी समझ लिया है किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा, गठबंधन की सरकार बनेगी और उसमें डॉक्टर कपूर नरवाल आने वाले मंत्री होंगे। डॉक्टर कपूर नरवाल वहां जाएंगे जहां ये हल्का कहेगा, इनको एमएलए बनाकर जहाँ हल्का ले जाएगा वहाँ डॉक्टर कपूर नरवाल जाएंगे। तो एक बार तब बरोदे हल्के का असर गुहाने में भी पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, गुहाना क्या, पूरे जिले में एक भी सीट नहीं आएगी कांग्रेस की, सोनीपत जिले की कहता हूँ मैं, एक भी सीट नहीं आएगी। क्या बात है संदीप भाई, जीरण भाई, क्या रहेगा प्रोग्राम? प्रोग्राम तो यो जिस दिन बरोदा हल्का के साथ जो ये वादा खिलाफी करी गई थी उसी दिन हल्के ने ठान लिया था, ये तो सब ने पता था। चलो ठीक है, भावना उजागर नहीं हो रही थी, वो तो कहते हैं ना कि ये तो होना ही था, ये चीजें तो होनी थी, तो उस दिन बरोदा हल्के ने उसी दिन ठान लिया था जिस दिन ये वादा खिलाफी करी गई थी और अपना वादा तोड़ के जो है ना टिकट कहीं और थमा दी गई थी। तो जैसे मलिक साहब भी साथ आ गए, जीता हुड्डा भी साथ आ रहे हैं, सभी ने मिलकर पंचायती रूप से डॉक्टर कपूर नरवाल को आगे करने का, देखो ये सभी हल्के की भावना थी और ये सारे भाई जितने भी हैं, भाई भूपेंद्र मलिक है, जीता हुड्डा की तरफ से समर्थन आया, भाई भूपेंद्र मलिक रात से यहाँ बैठे ही हैं, जब इतने टड़े टड़े भाई साथ आ जाएंगे तो हल्का तो सारा आड़ इकट्ठा हो लिया, उड़ रह के गया तो लगा है ये आसान नहीं है। बरोदा, बरोदा तो यहाँ बैठ गया के, यूं सोचो डॉक्टर साहब के और भाई भूपेंद्र मलिक के साथ और कपूर नरवाल के साथ और जीता हुड्डा के साथ और भाई रणदीप के साथ भी, सारा बरोदा हल्का तो यहाँ चारों भाइयों के पास आके बैठ गया, उड़ रह के गया ही वे। तो क्या लगा इसका असर और भी सीटा पड़ेगा? बिल्कुल है, पूरे सोनीपत जिले तक है, पूरे सोनीपत जिले की सभी सीटों पर प्रभाव पड़ेगा। डॉक्टर साहब के परिवार का जो बड़े डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर धर्मचंद नरवाल जी हमारे पूजनीय थे, उसने जो सेवा कर रखी है वो सेवा यहाँ तक बरोदा हल्का तक सीमित नहीं है, वो पूरे जो गांव गुआंडा तक, पूरे जिले तक और पूरे राज्य की सीमाओं तक जो प्रचलित है कि भाई धर्मचंद नरवाल जी किस तरह के आदमी थे। तो नू तो नहीं हो जाए कदे अटका, फिर वो उड्डा साहब फिर आ जाए इससे आंगन में, कह दे भाई कोई बात ना डॉक्टर गलती होगी मेरी चाल ही नहीं। उड्डा साहब ने तो बाईपास लगना पड़ेगा, बैरिकेड लाग गया बरोदा हल्का के।
बाईपास लगेंगे, बैरिकेड हैं, और जो बैरिकेड तोड़ने का प्रयास करेगा फिर कह रहे गवर्नमेंट क्यों कुरमारे आ रहे हैं, वो गवर्नमेंट है देख ले फिर, अभी हल्का बरोदा हल्का सरकार है और कोई सरकार नहीं। अब एमएलए तो आज बन गए सारी हल्कन एक तरफ सारी पार्टी, एक सेकंड भाई ऐसा है तो मंत्री की बात है, डॉक्टर को मंत्री पद पंचायती राज मिलना चाहिए, मंत्री बनेगा भाई। जो है डॉक्टर कपूर नरवाल जो है और तमाम उनके समर्थक साथी, चाहे वो भूपेंद्र मलिक और जीता हुड्डा और तमाम जितने भी लोग टिकटार्थी थे, वो अब कहीं ना कहीं डॉक्टर कपूर नरवाल के समर्थन में आगे हैं। और आज इनका बरोदा हलका से नामांकन भरवाया जा रहा है और इस नामांकन के साथ ही बरोदा की राजनीति में एक नया उबाल आ गया है, नया मोड़ आ गया है। जो लोग सोचते थे कि बरोदा अब जो है उनके लिए आसान है, अब वो आसान रहा नहीं है, क्योंकि भूपेंद्र मलिक काफी ज्यादा वोट उन्होंने लिए थे, डॉक्टर कपूर नरवाल ने भी काफी ज्यादा वोट लिए थे, और यहाँ पर जिस तरह का जनसमर्थन अपने निवास स्थान पर डॉक्टर कपूर ने जुटाया था, इसके बाद जो है वो जीत ये आसान किसी के लिए भी नहीं है। बड़ा ही गजब का मुकाबला जो है वो बड़ौदा में होने वाला, और बड़ौदा जो है वो पूरे हरियाणा की सबसे ज्यादा हॉट सीट वो बन चुकी है।